हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, फेस रीडर हूँ, वॉइस रीडर हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूँ और इससे पहले निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है जिसके थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली की जाँच करवा कर अनगिनत संकटों से आप बच सकते हैं। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, 20 साल से अधिक वर्षों के मेरे तजुर्बे का लाभ उठाइए और ऐसे लोगों के पास जाकर कुंडली मत दिखाइए जिन्होंने ज्योतिष का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। ज्योतिष का बाकायदा मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ऐसे और भी लोग हैं जिनसे आप जरूर संपर्क कीजिए, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है क्योंकि नीम हकीम खतराए जान कहा गया है कि अधकचटी नॉलेज वाला आपको गर्त में डुबो सकता है, आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे और आपको लाभ भी नहीं होगा। तो इसलिए कम खर्चे वाले उपाय जानने के लिए मुझसे जुड़िए आप और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बता रही हूँ, रूप चतुर्दशी के दिन आपको जैसा कि पता ही होगा शनिवार पड़ रहा है। शनिवार एक बहुत ही भारी दिन होता है, बड़ा ग्रह है काफ़ी और जिन लोगों के लिए मार्केश होता है उनको काफ़ी परेशान करता है। साढ़े साती, ढैया, इन सब की स्थिति में या महादशा चल रही हो, प्रतिकूल बैठा हो, कुंडली में प्लेसमेंट खराब हो तो शनि बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और विशेष रूप से कुछ खास लग्न होते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं लग्न हमें समझ में नहीं आता, लग्न बहुत ईजी होता है। आपकी कुंडली का जो पहला घर होता है वो लग्न होता है, उसमें जो राशि बैठी हुई होती है वो राशि वर्क करती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जहाँ चार लिखा रहता है वो चंद्रमा आपकी चंद्र राशि होती है। तो यहाँ जो लग्न होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको सिर्फ मनोरंजन करना है तो आप ये बात करें। जब मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ लग्न से संबंधित, तो आपको इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लग्न के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं वही असली कारगर होते हैं, ये चीज़ आप समझें। चंद्र कुंडली भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लग्न को विस्मृत नहीं कर सकते आप। तो चाहे आपको जानकारी नहीं है तो आप जानने का प्रयास कीजिए। राशि, कई बार आपको जो जिसको आप अपनी राशि समझते हैं वो आपकी राशि भी नहीं होती है, आप बोलते नाम कोई राशि समझ लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि रिजल्ट नहीं मिलता, जब आप कहते हैं हमने ये बहुत कर लिए, उपाय कर लिए, फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ़र्क अगर आपको लगता है कि फ़र्क चाहिए आपको, तो जो विधिवत जानकारी आपको दी जाती है उसी को आप फॉलो करें, तभी फ़र्क पड़ेगा। तो ये लग्न पर ही आधारित है। जो लग्न है कर्क लग्न है, इनको बहुत परेशान करते हैं शनि। सिंह लग्न को परेशान करते हैं शनि, धनु लग्न को परेशान करते हैं शनि, मीन लग्न को परेशान करते हैं शनि। अब इन लग्न वालों के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, स्वग्रही होकर पाप कर्म कम हो सकते हैं, परेशानियां कम हो सकती है, लेकिन निजात नहीं मिल सकती पूरी तरह से। तो उपाय आप करें और शनिवार के दिन आप करें, विशेष रूप से जिनका कर्क है, सिंह है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, ये लोग करें उपाय, तो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है कि काले रंग का कपड़ा पहनकर स्नान करना है, उसके बाद वो कपड़ा अलग रख देना है, सस्ता कपड़ा ले लीजिए कोई भी, अगर कपड़ा नहीं ले सकते तो एक रुमाल ही ले लीजिए, उसको अपने सिर पर रखकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद उस रुमाल को अलग रख दीजिए, एक छोटे से तेल की बॉटल लीजिए, रेडीमेड मिल जाती है जो सबसे छोटी तेल की बोतल मिल जाए, कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का, तिल्ली का, कोई सा भी तेल की बोतल ले लीजिए। इसके बाद आपको जो नहाने का पानी है उसमें भी थोड़े से काले तिल डालिए और स्नान कर लीजिए उससे। ये जो स्नान आपको मैंने बताया कि सिर पर जो कपड़ा रख के या कपड़ा रख के स्नान करेंगे, उस दौरान आप बाल्टी में थोड़े से तिल डाल लीजिए। इस तरह से आपने स्नान कर लिया, उसके बाद सूरमा जो होता है ना वो ले लीजिए, सूखा ड्राई फॉर्म में सूरमा मिलता है बाजार में, वो लेकर आ जाइए एक पुड़िया में, उसको रख कर और दक्षिणा रख के काले रंग का जो कपड़ा लिया है उसी में सब चीज़ बांध लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उसार लीजिए, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक उसार लीजिए, 7 बार उसार लीजिए। उसके बाद उस कपड़े को जाकर किसी निर्जन स्थान में छोड़कर आ जाइए और ऐसे कल्पना कीजिए कि शनि का उतारा कर दिया है आपने, और जो शनि आपको परेशान कर रहे थे कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दो बातों को और फॉलो करना पड़ेगा, वो ये है बासी भोजन नहीं खाना आपको, दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी निर्धन व्यक्ति का अपमान नहीं करना, अपने सफाई कर्मी को टाइम टू टाइम खुले पैसे देते रहना है और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, तो फिर ये शनि वापस लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये गलतियां करते हैं और ये सिर्फ उतारा करते हैं तो शनि वापस लौटकर आएंगे और आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को भी फॉलो कीजिए और ये उतारा कर दीजिए, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बाहर ही बाहर आती है।